हेलो माय डियर चिल्ड्रन, जब आप अपनी प्यारी सी आवाज में हैप्पी इंडिपेंडेंस डे बोलते हैं तो यकीनन आप बहुत प्यारे लगते हैं। बट डू यू नो द मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंस डे? वेल, दिस इज अ वेरी लॉन्ग स्टोरी पर है बहुत प्यारी। हजारों साल पहले इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था, यानी कि गोल्डन बर्ड। वह इसलिए क्योंकि इंडिया के लोग बहुत मेहनत करते थे, बहुत अच्छी फसल उगाते थे और अच्छा बिजनेस करते थे। इंडिया में बनी सिल्क, स्पाइसेस, ज्वेल्स, कॉटन एंड वीट क्रॉप दूसरे कंट्रीज में बहुत फेमस थी। लोग इन इंडिया गुड्स को, यानी कि मेड इन इंडिया गुड्स के लिए कुछ भी देने के लिए तैयार थे। इसी कारण इंडियंस के पास बहुत सारा मनी, गोल्ड कलेक्ट हो गया था, क्योंकि वह ट्रेड करते थे ना। यह लेन देन तब उनके पास गोल्ड आता था एज पेमेंट फॉर द गुड्स सोल्ड। इसी कारण इंडिया को गोल्डन बर्ड, यानी के सोने की चिड़िया कहा जाता था। उस समय इंडिया में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन पता नहीं कब क्यों हम कमजोर पड़ गए और दूसरे देश के लोग आकर हम पर राज करने लगे। राज मींस दे स्टार्टेड रूलिंग ओवर अस, लाइक द मुगल्स, पोर्टुगीज, द डच, फ्रेंच एंड द ब्रिटिशर्स। और हमारे धन, दौलत, साहस और इंडिपेंडेंस सभी को छीन कर ले गए। इंडिपेंडेंस यानी कि आज़ादी। आज़ादी मीन्स हम अपनी मर्जी से अपने अनाज नहीं सेल कर सकते थे, हम अपनी मर्जी से बोल नहीं सकते थे, पढ़ नहीं सकते थे और पहन नहीं सकते थे। इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक लिविंग इन अ बिग बिग जेल इन योर ओन हाउस। और इसी कारण शुरू हुई भारत की आज़ादी की लड़ाई। हजारों लाखों लोग, बच्चों ने प्रोटेस्ट किया, जिसमें हमारे फ्रीडम फाइटर्स मंगल पांडे, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, रानी लक्ष्मीबाई, चंद्रशेखर आजाद, उधम सिंह, अरुणा आसफ अली, सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी एंड मेनी मोर सच ब्रेव पीपल came forward and openly challenged the invaders. Leave India, Bharat छोड़ो। हमारे freedom fighters ने बहुत मेहनत करी थी। हजारों freedom fighters की sacrifice के बाद finally India got independence on the 15th of August 1947 when the last of the foreign invaders left India and India became of the Indians, by the Indians, for the Indians. हमारा प्यारा तिरंगा, राष्ट्रीय झंडे के तीन रंग, सैफ्रन, व्हाइट, ग्रीन। सैफ्रन रिप्रेजेंट्स स्ट्रेंथ एंड करेज, शक्ति, साहस और हिम्मत। व्हाइट रिप्रेजेंट्स पीस एंड ट्रुथ, शांति और सच। Green represents growth and prosperity, हरियाली। और इनके बीच is the अशोक चक्र, represents धर्म। बच्चों, आप जानते हैं यहाँ के लोग अलग अलग रिलीजन से बिलोंग करते हैं और एक दूसरे के साथ प्यार से रहते हैं, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और भी बहुत प्यारे प्यारे लोग। सो इंडिपेंडेंस डे का मतलब है इन सब के साथ आपस में प्यार से रहना, हेल्प ईच अदर, फाइट नहीं करना, झगड़े से दूर रहना। एंड दिस इंडिपेंडेंस डे लेट्स प्रॉमिस टू डू 3 things। नंबर 1 इज स्टे सेफ, नंबर 2 इज plant lots of trees, and third say I'm proud Indian. That's all the true independence. Happy Independence Day to all you beautiful